अंसारी ब्रदर्स इंटीरियर होम डेकोर, हमारे यहाँ इंपोर्टेड वॉलपेपर, कस्टमाइज वॉलपेपर, 3D फोम सीट, 3D PVC पैनल, सीलिंग पैनल, विंडो ब्लाइंड और आर्टिफिशियल ग्रास इत्यादि उचित मूल्य पर उपलब्ध है। पता है ठेपहा बाजार, मस्जिद टोला, जीरादेव ब्लॉक के पास, सिवान। बहुरानी साड़ी पैलेस एंड गारमेंट्स, हमारे यहाँ फैंसी साड़ी, वैवाहिक साड़ी, लक्ष्मीपति साड़ी, सुभाष साड़ी, लहंगा, चुन्नी, कोट पैंट, शेरवानी, सूट पीस, कुर्ती, लेगी, फ्रॉक सूट, जींस टॉप, गाउन, जींस शॉर्ट, टी शर्ट, बाबा सूट एवं किड्स वेयर इत्यादि फैंसी वस्त्र उचित मूल्य पर उपलब्ध है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी। आज हमारी टीम पहुंची है सिवान जिले के मैरवा प्रखंड के लक्ष्मीपुर में, और लक्ष्मीपुर गांव में विगत एक सप्ताह से सतचंडी महायज्ञ चल रहा है और आज समापन का दिन है। और आज हमारे साथ उपस्थित हैं भागवताचार्य अमित कुमार तिवारी जी। आइए आज हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि यज्ञ का हमारे जीवन में क्या महत्व है और यज्ञ जो है वातावरण के शुद्धिकरण के लिए कितना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपका स्वागत हमारे चैनल। सर्वप्रथम हिंदुस्तान टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबके अथक प्रयास से ये जन जन तक इस यज्ञ का, इस धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है। हर व्यक्ति के जीवन में धर्म ऐसे कार्य करता है कि उस जैसे एक पतंग की डोरी कट जाए, उस पतंग का कब गिरेगा, कहाँ गिरेगा, कोई पता नहीं है। तो किसी भी व्यक्ति के जीवन में अगर धर्म ना हो, उस व्यक्ति का जीवन की दशा ऐसी ही होगी। भागवत जी में कहा गया है कि धर्म ये सिखाता है आपको कि आपके जीवन में क्या करणीय है और क्या अकरणीय है, हमें क्या हम करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जब हम अपने समाज में बच्चों को उचित शिक्षा देंगे, धर्म की शिक्षा देंगे, वही बच्चा जब बड़ा होकर किसी पद पर बैठेगा, किसी IAS अधिकारी के पद पर बैठेगा, तो उस समय वो ये निर्णय कर पाएगा कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उस समय वो धर्म का सहारा लेकर समाज में हो रहे अत्याचार के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ खड़ा होगा। उस समय समाज में हो रहे घटनाओं के प्रति एक निर्णय ले पाएगा, उस सकारात्मक ऊर्जा के साथ वो समाज सुधारक बन पाएगा। और समाज से हमारा धर्म हट चुका है, यही कारण है कि आज हमारे समाज में कोई स्वामी विवेकानंद नहीं मिल पाता। पिछले एक सप्ताह से लक्ष्मीपुर गांव में सतचंडी महायज्ञ शुरू हुआ है, आज समापन का दिन है। आप इसमें मैनेजमेंट कर रहे हैं, सारा व्यवस्था आप देख रहे हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? कैसा महसूस, शांति फील हो रही है। जग किया जाता है शांति के लिए, जप तप नेम जलाशय झाड़ी, पूजा पाठ की जाती है मन के विकार को शांत करने के लिए और समाज में शांति प्राप्त कर किया जाए। यही ना, इसीलिए ना किया जाता है ताकि भाईचारा बने रहे, समाज एकजुट रहे। बिल्कुल। एक इंसान में एक अलग से ऊर्जा पैदा हो जो ईश्वर की तरफ लेके चले। अपना नाम बता दीजिए। श्री श्री 108 बालक दास जी महाराज। यहाँ पे जो यज्ञ का आयोजन किया गया था, पिछले एक सप्ताह से यहाँ पे यज्ञ हो रहा है, आप इसमें सहभागिता किए, आपको कैसा महसूस हुआ? देखिए, यज्ञ जो है वो हमारे परिवेश को, हमारे देश को और हमारे समाज को, हमारे वातावरण को शुद्ध करने का, पवित्र करने का एक बहुत सुंदर साधन है। हमारे ऋषियों के द्वारा, हमारे महर्षियों के द्वारा पूर्व से ही ये नियम चला आ रहा है कि यज्ञ करके हम अपने समाज को एकत्रित करें। इस यज्ञ में यही हुआ है, हजारों लाखों लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है। इससे हमारे धर्म में जो लोग कुठाराघात कर रहे थे, इधर उधर के लोग, जो धर्म से नहीं जुड़े थे जो लोग, वो लोग भी प्रायः आ करके जुड़ करके इस यज्ञ में सभी लोगों ने भाग ले करके इस यज्ञ की जो मर्यादा है, उस सभी मर्यादा में बंधे रह करके हमारे इस यज्ञ को बढ़ चढ़ के सब लोगों ने जो हिस्सा लिया है, उन सभी का, लक्ष्मीपुर गांववासियों का सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तथा हम लोग तो इसी यज्ञ कर्म कांड के लिए, जो हमारी संस्कृति जीवित है, उसका मुख्य कारण है कथा सत्संग यज्ञ ज्ञान। सतीश पांडे, वृंदावन। विगत एक सप्ताह से लक्ष्मीपुर गांव में यहाँ पे यज्ञ का जो आयोजन किया गया, सतचंडी महायज्ञ का, आप इस यज्ञ के यज्ञाचार्य हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा है हमें।
यहाँ के लोगों को जो इन लोगों का जो परिश्रम है जी, जो श्रद्धा है जी, यह देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है जी, और इतना सम्मान ये लोग दिए हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आशीर्वाद हम लोग की तरफ से। वातावरण काफ़ी मंगल मंगलमय हो गया है, सुंदर है जी। पहले सुने थे कि कुछ वातावरण सामाजिक कुछ अच्छा नहीं था, जैसे जैसे यज्ञ का माहौल हुआ और जैसे जैसे हम लोग आह्वान किए भगवान गणेश जी का जी, तो मंगलकारी भगवान विघ्नहर्ता हैं और विघ्नहर्ता आए विघ्न को हर ले गए और मंगल ही मंगल हो गया। इतना सुंदर यज्ञ हुआ है जी, काफ़ी जगह हम जाते हैं यज्ञ कराने के लिए, लेकिन इस प्रकार की व्यवस्थाएँ, ऐसे लोगों का रुझान, ऐसा सम्मान बहुत कम जगह होता है। इसके लिए यह श्रेय सभी सदस्यों को जाता है, समिति के जितने सदस्य हैं सबको जाता है। सभी सदस्य लोग इतने परिश्रमी, इतने श्रद्धावान हैं, इन लोगों ने इतना परिश्रम किया, इतना श्रद्धा दिया, इन लोगों के ऋणी हम हो गए हैं और इसके लिए इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अपना नाम बता दीजिए। मैं यज्ञाचार्य दुर्गेश कुमार चौबे, राजा बाबू। विगत एक सप्ताह से आपके पंचायत में लक्ष्मीपुर में प्रचंडी महायज्ञ हो रहा है, आज समापन का दिन है, आपको कैसा महसूस? सबसे पहले आपको धन्यवाद ज्ञापित करेंगे और ये चंडी जो महायज्ञ का 18 तारीख को हमारे यहाँ इसका मतलब रास यात्रा था और तमाम हमारे गांव के सभी लोग जी, और तमाम नौजवान, आप जैसा देखेंगे भंडारा का जो कार्यक्रम चल रहा है इसमें सारे नौजवान लगे हुए हैं। इसमें कोई पैसा वाला व्यक्ति नहीं है कि पैसा से आदमी को लाया गया हो वह काम कर रहा हो। नौजवान जितने भी हमारे उन लोगों की आस्था है जी, उन माँ दुर्गा के चरणों में उन लोगों की आस्था के बदौलत तमाम यहाँ के जितने भी हमारे नौजवान साथी हमारे अभिभावक है, कामेश्वर सिंह जी बगल में यहाँ खड़े हैं और जैसा कि आप देखेंगे कि काफी प्रयास करने के बाद अंकज बाबू देखिए अभी खाना खा रहे थे, शायद कहाँ चले गए, चप्पल छोड़ दिए थे। हरिन पांडे जी हैं, सुरेंद्रनाथ पांडे जी हैं, राजा राम जी हैं और तमाम ये अरिन बाबा तमाम सबसे भूमिका देख लीजिए, सबसे बेहतरीन भूमिका किनकी है, हमारे गांव के नौरंगी बासफोर जी हैं जी, जी। ये परिवार के लोग सारे लोग लग करके और इस यज्ञ का निष्पादन किए हैं और जिसका परिणाम है कि बहुत बेहतरीन तरीका से अभी भंडारा यहाँ चल रहा है लगभग हमको लगता है कि एक सप्ताह से जी। बड़े भाई हैं और बड़ी काफी मतलब सामाजिक कार्यों में चल बढ़ के हिस्सा लेते हैं बसंत पाठक जी, जी जी उनका भी अहम महत्ता है इसमें, तमाम सभी लोगों के प्रयास से ये कार्यक्रम जो है सो बड़ा बेहतरीन सफल हुआ है और मैं सबको धन्यवाद ज्ञापित करूंगा चूंकि मुखिया होने के नाते और मेरे पंचायत क्षेत्र में वो भी मेरे गाँव में है जी जी, इतना बेहतरीन कार्यक्रम हुआ, सबको मैं विशेष करके धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। संतलाल भैया जी हैं, ये लोग काफी अथक प्रयास से लगभग 2 महीना से इन लोगों के संघर्ष के बदौलत ये कार्यक्रम सफल हुआ और मैं ऊपर वाले से चाहूंगा सबका परिवार सुखी हो, सब लोग सशक्त हो, सब लोग आगे बढ़े, सब लोग मजबूत हो, ऊपर वाले करें कि सबके घर में दिन दुना रात चौबीस। अजय चौहान मुखिया जी, आपके गांव में विगत एक सप्ताह से मेला लगा हुआ है, यज्ञ का आयोजन हुआ है, कैसा लग रहा है? और ये छोटे बच्चों से मिलकर बड़े सम्मान मिला जी, धार्मिक माहौल बना है। यहाँ पे जो यज्ञ का आयोजन हो रहा है पिछले एक सप्ताह से, आज समापन का दिन है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है, हम सारे गांव वासी हैं बगल क्षेत्र के, मैं इस गांव कनी मेरा गांव बगल में है जी जी, लेकिन मैं यहां पे आया और यहां के लोगों का भाव देखा, उसके बाद मैंने आचार्य लोगों से भी मिला, अजय पांडे जी, उनके विचारों को सुना और मुझे अंदर एक शक्ति आई कि हाँ इस काम को होना चाहिए, समाज में सारे विकारों को दुख दूर होगा, आदमी इंसान एक जीव ही है तो जब उसकी शक्ति खत्म हो जाती है तो भगवान को ही याद करता है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कोरोना और सारा बहुत भी पता है, आदमी की कोई नौकरी चाकरी भी नहीं है, तो हम सोचे कि भाई एक बार भगवान को भी याद किया जाए और हम लोगों ने पूरे जोर शोर से अपना जो भी दमखम है उस साथ से जग का कार्य क्षेत्र में हम लोगों ने चंदा वंदा इकट्ठा करना, सब लोगों से मिलना जुलना ये प्रारंभ किया और आज आप देख ही रहे हैं कि जग का क्या रूपरेखा है। अपना नाम बता दें जी, अनिल कुमार सिंह अटवा। Yeah.
अंसारी ब्रदर्स इंटीरियर होम डेकोर, हमारे यहाँ इंपोर्टेड वॉलपेपर, कस्टमाइज वॉलपेपर, 3D फोम सीट, 3D PVC पैनल, सीलिंग पैनल, विंडो ब्लाइंड और आर्टिफिशियल ग्लास इत्यादि उचित मूल्य पर उपलब्ध है। पता है ठेपहा बाजार, मस्जिद टोला, जीरादेव ब्लॉक के पास, सिवान। बहुरानी साड़ी पैलेस एंड गारमेंट्स, हमारे यहाँ फैंसी साड़ी, वैवाहिक साड़ी, लक्ष्मीपति साड़ी, सुभा साड़ी, लहंगा, चुन्नी, कोट पैंट, शेरवानी, शूट पीस, कुर्ती, लेगी, फ्रॉक सूट, जींस टॉप, गाउन, जींस, शॉर्ट, टी शर्ट, बाबा सूट एवं किड्स वेयर इत्यादि फैंसी वस्त्र उचित मूल्य पर उपलब्ध है।